सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं एक आम आदमी हूँ, जैसे सारे लोग जैसे आम होते हैं वैसे मैं आम आदमी हूँ। मैंने ऐसे फिल्मों में काम करने के लिए बहुत पहले 95 में मैं मुंबई आया था एज एक्टर, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। मैं ज़्यादा यहाँ समय अपना बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। मैं फिर अपने गांव जाके अपने काम में लग गया और फिर अचानक से मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद फिल्म का निर्माण का एक आइडिया आया मेरे दिमाग में कि चलो एक फिल्म भी बनाते हैं, लेकिन अब मुद्दा विषय नहीं मिल रहा था, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, किस सब्जेक्ट पे काम करें। एक्चुअली मैं जहाँ रहता था मुंबई जिस शहर में, उस शहर का नाम था कमलनाथ नगर, 8 साल से मैं रहता था वहाँ। तो वहाँ जो हमसे पहले रहते थे उनसे मैंने पूछा कि भाई इस जगह का नाम एक कॉमन चीज़ है, हम भारत में रहते हैं तो भाई भारत का नाम भारत क्यों है ये जानना चाहते हैं, मुंबई है तो मुंबई का नाम क्यों पड़ा, अगर हम दिल्ली में हैं तो इसका दिल्ली नाम क्यों पड़ा। तो मैं जहाँ रहता था कमलनाथ नगर में, उसका जगह का नाम क्यों कमलनाथ नगर पड़ा, क्यों कमलनाथ नगर पड़ा। तो मैंने वहाँ के स्थानीय जो हमसे पहले जो रह रहे हैं वहाँ, उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई इस जगह का नाम कमलनाथ नगर क्यों पड़ा। तो उन्होंने बताया कि एक पंडित कमलनाथ तिवारी हुआ करते थे यहाँ, जो भगत सिंह के करीबी थे, सहयोगी थे। मैं बोला कि भगत सिंह के सहयोगी थे, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, एक MP थे मैंने सुना है। तो नहीं नहीं वो भगत सिंह के सहयोगी थे और भगत सिंह के अभिन्न मित्रों में थे। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी उस फांसी के ऑर्डर शीट में कमलनाथ तिवारी का जिक्र है। जिस ऑर्डर शीट पर भगत सिंह को फांसी दे दी गई उस ऑर्डर शीट पर कमलनाथ तिवारी का नाम। फिर मैंने कमलनाथ तिवारी के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। मैं सोचा कि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो फिर मैंने उनके बारे में अपने स्तर से हर चीज़ देखना, हर एंगल से उनके बारे में जानकारी लेनी शुरू की। उनके घर वालों से मिला, उनके समय के जितने दोस्त थे उनके घर वालों से मिला, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि मुझे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगा। मैंने अपने स्क्रीन राइटर को बुलाया, बोला कि भाई ऐसे ऐसी एक मेरे दिमाग में स्टोरी है, आप इसका स्क्रीन प्ले रेडी करो। मतलब इसी मुद्दे पर आपने एक फिल्म बनाने का सोच लिया। मैं वैसे आदमी को हर इंसान तक पहुंचाने का दूसरा कोई जरिया नहीं था। मैं घूम घूम के हर आदमी से कह नहीं सकता था, हर आदमी से घूम घूम के नहीं। तो फिल्में ही एक ऐसा माध्यम है कि आप चाहे तो गंदगी परोस दें, चाहे तो अच्छाई परोस दें, या जो भी आपकी भावनाएं हैं चाहे तो फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनके जीवनी पे एक फिल्म बनाने की सोची कि और आज के आधुनिक युग में सोचा एक रिस्क लिया, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि भारत में हिंदू देशभक्तों की कमी नहीं है, ज़रूर मेरी फिल्म को सराहा जाएगा। और बहुत ही सुंदर तरीके की फिल्म है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया है। जब लोग थिएटर जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ऐसी फिल्में भी बनाई जा सकती हैं। अच्छा, शहीद आजम की बात कर लीजिए, जो आपकी फिल्म है, कितना समय लगा है, एक्ट्रेस कौन कौन से है? चार साल का अध्ययन है और 1 साल पूरा है उसके मेकिंग में, मतलब शूट से लेके और लास्ट पोस्ट तक पूरा मेरा 5 साल लगा है। 4 साल अध्ययन में और 1 साल पोस्ट में, 5 साल में ये फिल्म तैयार हुई। हाँ, फिल्म की कहानी तो बता दूंगा तो थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा। भगत सिंह के बारे में आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी फिल्में बनी है, मैंने लगभग देखी हैं जितनी भी फिल्में शहीद आजम भगत सिंह जी की, उनके जन्म से शुरू होती हैं फिल्म और उनके फांसी के बाद फिल्म को समाप्त कर दिया जाता है। उनको फांसी हुई थी सन 1931 में, और जबकि देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, बीच का समय अंतराल रहा 16 साल। तो क्या 16 साल कोई क्रांति नहीं हुई देश में? 16 साल के बाद अंग्रेजों को तो ऐसा लगा नहीं होगा कि चलो गलती हो गई, भगत को बेकार फांसी दे दिया, और शर्मिंदगी से तो देश छोड़ के गए नहीं होंगे। तो क्यों गए थे वो चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। भगत को फांसी दे दी गई सब दिखाते हैं, भगत को फांसी किसकी गवाही पे दी गई वो कोई नहीं दिखाता, उस गवाह का क्या अंजाम हुआ वो कोई नहीं दिखाता, उस गवाह को अंजाम किसने दिया वो कोई नहीं दिखाता। इस फिल्म में हम वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, और इस फिल्म में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी आप पहले के शहीद आजम नाम से बनी फिल्मों में देखे हैं। अच्छा, फिल्म के लोकेशंस क्या क्या हैं? फिल्म के लोकेशन घटनाक्रम के हिसाब से, जो एक्चुअल जहाँ का समय कालांतर में जो समय जो स्थान रहा है वहीं हमने शूट किया है। कमलनाथ तिवारी और भगत सिंह के बीच जहाँ जहाँ समय बीता है, 1922 में पहली बार मिले हैं और 1931 तक जहाँ जहाँ भगत सिंह के साथ कमलनाथ तिवारी रहे हैं गए हैं, उस ओरिजिनल लोकेशन पे जाके मैंने इस फिल्म को शूट किया। अच्छा, फिल्म कब तक रिलीज़ हो जाएगी? फिल्म 19 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, अभी बिहार में रिलीज़ कर रहा हूँ, वहाँ से देखता हूँ कि ऑडियंस का क्या
आता है, क्योंकि फिल्में रिलीज करनी भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बायोग्राफी बनाई आपने कमलनाथ जी की, अगर कहा जाए? नहीं, बायोग्राफी नहीं है, मैं जो चीज़ें लोगों से चूक गए हैं, जो लोग चूक गए हैं दिखाने में आज़ादी की लड़ाई में, वो चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। और इसमें सिर्फ कमलनाथ तिवारी नहीं है, कमलनाथ तिवारी के अलावा 9 ऐसे चरित्र हैं जो कि भगत सिंह के अभिन्न मित्र थे, जो आज तक दुनिया की आंखों से ओझल हैं। उन 9 लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ, और उतनी ही समानता से, और इसमें भगत सिंह के चरित्र से भी कहीं छेड़छाड़ नहीं है। भगत सिंह जिस कद के थे उसी कद पे हैं इस फिल्म में भी। भगत सिंह शुरू से लास्ट तक फिल्म में हैं, जिस कद के व्यक्ति थे उस कद में हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो थे उनको भी मैंने उसी कद में फिट किया। आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, साथ में और भी बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपना हर चीज़ कर सकते हैं। मैं कैसे कह दूँ कि रिलीज हो रही है तो क्यों हो रही है, सबका अपना अपना भाग्य है। उन्होंने अपने कार्य को अपना भाग्य समझा है, मैं अपने काम को अपना भाग्य समझ रहा हूँ। कर्म ही भाग्य होता है, लोग सोचते हैं कि भगवान हमारा मदद करेंगे, भगवान कहीं मदद करने नहीं आते। आपका कर्म अगर सही है तो ही ईश्वर आपकी मदद करने आते हैं। नहीं नहीं, मैं शुरू से ही देशभक्ति विचारधारा कर रहा हूँ। मैं हमेशा भगत सिंह की फिल्में देखता था, उनकी कहानियाँ पढ़ता था, उनकी जीवनियाँ सुनता था, तो फिल्म ही बनाना मैंने सोचा, तो सोचा कि चलो स्वतंत्रता पर ही फिल्म बनाते हैं, इसलिए मैंने भगत सिंह ये विषय ही चुना। हाँ, ये कलाकार वाली बात जो आपने पूछी, ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी। मैं फिल्म में भगत सिंह को फांसी चढ़ते हुए दिखा रहा हूँ। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी उस समय वो 22 साल के थे। अगर मैं 55 साल का भगत सिंह दिखाऊं, अगर मैं 45 साल का भगत सिंह दिखाऊं, तो फिर ओरिजिनलिटी रह कहां जाती है? और 22 साल का कौन सा ऐसा फिल्म स्टार है, आप ही उसका नाम बता दीजिए, जिसे मैं भगत सिंह के रूप में पिरो दूं। मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर मैंने इसका ऑडिशन किया फिल्म का। जो कैरेक्टर थिएटरों में जाके, जितने भी हमारे फिल्म में कलाकार हैं, सब थिएटर के मजे हुए कलाकार हैं। शहीद-ए-आज़म ये सेंस में है मेरा कहने का, क्योंकि भगत सिंह इस फिल्म में है, इसलिए शहीद-ए-आज़म नहीं है इस फिल्म का। 1934 में प्रताप नाम की एक अखबार आता था कानपुर से, उसमें सबसे पहले उपाधि दी थी भगत सिंह को, शहीद-ए-आज़म की पहली उपाधि कमलनाथ तिवारी ने दी थी। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था भगत सिंह की फांसी के बाद कि ये भगत सिंह को फांसी नहीं हुई, ये शहीद भी नहीं हुए, ये तो शहीद-ए-आज़म है। उनका एक लेख है, उस लेख में उन्होंने शहीद-ए-आज़म की उपाधि दी है। तो शहीद-ए-आज़म सब जानते हैं कि भगत सिंह शहीद-ए-आज़म थे, लेकिन ये नाम उसको किसने दिया, ये नाम उनको किसने दिया, ये कोई नहीं जानते। तो मैंने जब उस आदमी के जीवन पर फिल्म बनाना, तो उसकी कृतियों को भी मैंने दिखाने की कोशिश की, इसलिए मैंने उस फिल्म का नाम शहीद-ए-आज़म रखा, क्योंकि जिसने शहीद-ए-आज़म का नाम रखा शहीद-ए-आज़म। अब बिहार में देखते हैं कौन कौन से थिएटर खाली रहते हैं, वैसे थिएटर से बात चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात चल रहा है। अभी हमको लगता है कि बिहार में 40-45 थिएटर में हमारी बात हो चुकी है। बिहार में बहुत ठंडी है, और ठीक आपके बीच के बाद 26 तारीख को बहुत बड़ा। मैं तो बस ये जानता हूँ, ठंड से मुझे किसी से डर नहीं लगता। डर लगता तो आज के आधुनिक युग में शहीद-ए-आज़म नहीं बनाता। करोड़ों रुपये लगाकर, अगर डर होता तो करोड़ों रुपये लगा के शहीद-ए-आज़म नहीं बनाता। किसी नहीं, मेरी फिल्म को किसी से नहीं, पद्मावती बनाने वाले बड़े लोग हैं, उनसे हमारी कोई तुलना नहीं है, और ईश्वर उन लोगों के करीब तक पहुंचा दें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और उतने बड़े लोगों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उन लोगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात। हाँ, बात चल रही है वहाँ नीतीश कुमार जी से, हमारी बात चल रही है, बिहार सरकार से बात चल रही है सब्सिडी के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं फिल्म देखूंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ ये फिल्म वास्तव में एक एजुकेशनल टाइप की मूवी है, तो मैं इसे बिहार के विद्यालयों के लिए इस फिल्म को खरीद भी लूँगा, और टैक्स भी पूरे बिहार में कर दिया जाएगा। बिहार जो काफ़ी से क्रांतिकारी हैं जो मैं यही कहूंगा कि आधुनिकता के युग में देश के लिए भी सोचो, अपने लिए तो सब सोचते हैं, कभी देश के लिए भी सोचो।